बदमाशों के हमले में घायल युवक की मौत से भूना में आक्रोश। सिरसा चंडीगढ़ रोड जाम। बदमाशों के हमले में चाकू लगने से घायल हुए मुकेश की मौत के बाद भूना शहर के लोगों ने गुंडागर्दी के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश बन गया है। हमलावर बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शुक्रवार सुबह पूरा शहर सड़क पर उतर आया। शहरवासियों में परिजनों ने मुकेश के शव को सड़क पर रखकर सिरसा चंडीगढ़ रोड पर जाम लगा दिया और जमकर नारेबाजी की। सब्जी मंडी भी पूर्णतः बंद रही। मुकेश प्रजापति के शव को गुरुवार को हिसार के सिविल अस्पताल में देर शाम को पोस्टमार्टम हुआ। शाम 7 बजे परिजन शव को एम्बुलेंस के जरिए CHC केंद्र भूना लेकर पहुंचे और पूरी रात वहीं रखा। परिजनों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों को प्रशासनिक अधिकारी पूरा नहीं करेंगे तब तक मुकेश के शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। ऑल हरियाणा शेड्यूल कास्ट एम्प्लाइज फेडरेशन के पूर्व राज्य उप प्रधान सुखदेव सिंह भुक्कल, बैकवर्ड नेता भीम सिंह झिंझर व कुलदीप बौद्ध ने बताया कि चंदन नगर में एक बीड़ी के बंडल को लेकर रविवार 11 दिसंबर की रात को असामाजिक तत्वों ने दुकानदार गरीबदास के परिवार के 6 घरों पर ईंट पत्थर से हमला कर दिया था। हमलावर बदमाशों ने 8 लोगों को गंभीर रूप से चोटिल कर दिया था, जिनमें 2 लोग मुकेश प्रजापति व उसके चाचा रमेश कुमार को चाकू मारे गए थे। चाकू लगने से घायल हुए मुकेश की गुरुवार सुबह मौत हो गई। मुकेश गरीदास का मंझला बेटा था और केले की रेड़ी लगाकर परिवार का पालन पोषण करता था। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए सैकड़ों लोग मुकेश प्रजापति का शव सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मृतक की पत्नी को आंगनवाड़ी या अन्य किसी विभाग में सरकारी नौकरी देने, मृतक के परिवार को 50 लाख की आर्थिक मदद करने, पुलिस सुरक्षा देने, हमलावर 40 बदमाशों को तुरंत गिरफ्तार करने व पीड़ित परिवार के 2 सदस्यों का शस्त्र लाइसेंस बनाने और घटना के दौरान मौके पर मौजूद लापरवाह पुलिस कर्मचारियों पर केस दर्ज करने की मांग प्रशासनिक अधिकारियों से की गई है। एक प्रस्ताव होता है जो कि आप लोग की तरफ से हमारे थ्रू बेटी साहब की तरफ से गवर्नमेंट में जाता है। वैसे बेटी साहब इस बारे में चर्चा कर रहे हो पते, तो आप भी मेरी बात में यही है कि एक डिमांड आप दे दें हमें और वो प्रस्ताव सा बना के हम उसको गवर्नमेंट के पक्ष में है तो भी उसका जो उचित मुआवजा वो दिलाना काम करें। कुछ ऐसा नहीं सर कि आप जो साहब जो तुरंत प्रभाव से देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता दूं इस बारे में, अगर ऐसा होता तो हम अब तक कर चुके होते। वो थोड़ा सा हमारी मजबूरी है कि हमारे लेवल की कोई ऐसी चीजें नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट लेवल से बात करनी पड़ती है हमें, तो वो आप हमें हमारे को डिमांड दे दें, हम उचित माध्यम से गवर्नमेंट को भेजेंगे और उसमें भी जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे। उसमें हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी हेल्प करें। अभी जिसका भी बात नहीं कर रहे हैं हम पढ़ते।